So, hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the movie The Avengers Age of Ultron. ये movie MCU, यानि कि Marvel Cinematic Universe की 11th movie है. So, without wasting time, let's start the movie. इस movie को start करने से पहले, इस movie के sponsor के बारे में बात कर ली जाए. Are you looking for a graphic designer? Design is inspiring. Get yours now. Logo designing by i360 Solution. We make social media posts, business cards, trifold brochures, flyer designing, hoardings ultra HD, paper ads of all sizes, invitation card of all size and types, banner ultra HD with all sizes, certificate designs, letter designs, guide booklets, handbills in JPG format, resume CV labels and photo albums, newsletters. We also do provide commercial videos and film trailers with all type of film posters. i360 Solution, your perfect graphic designing partner. Contact us for more details. कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है सकोविया, जहां पर सभी के सभी एवेंजर्स मिलकर हाइड्रा के एक बेस पर अटैक करते हैं जिसका सरदार होता है स्ट्रकर, जो कि दिखाई गई एवेंजर 1 मूवी के अंदर लॉकी द्वारा चुराए गए सेप्टर की मदद से कई लोगों पर अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पे गाइज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा करने वाला हूँ। ये सेप्टर इस स्ट्रकर के पास में कहाँ से आया? जब हमने द एवेंजर्स मूवी देखी थी तो उसके अंदर लॉकी से सेप्टर जब्त करने के बाद में शील्ड का ही एक टकलिया वहां से उस सेप्टर को लेकर गया था, लेकिन क्योंकि वो हाइड्रा के साथ मिला हुआ था इसलिए वो जाकर सेप्टर को स्ट्रकर को जाकर बेच देता है, और इसी की मदद से अब सेप्टर स्ट्रकर के पास में होता है और वो इसके साथ में कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम का सामना होता है उन्हीं दो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स के साथ में, जिसका नाम होता है पिएट्रो मैक्सिमोफ और वांडा मैक्सिमोफ। वो दोनों ही आपस में ट्विंस होते हैं और सभी एवेंजर्स को काफी कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन उसी बीच सभी एवेंजर्स आधी आधी टीम में बढ़ जाते हैं और कुछ उन दोनों से लड़ने लगते हैं और कुछ बाकी मिलकर स्ट्रकर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वही हम दूसरे सीन में देखते हैं कि आयरन मैन जाकर उस पूरे के पूरे सेप्टर को रिट्रीव कर लेता है ताकि वो वहां से सेप्टर को अपने पास में लेकर आकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके कि आखिर ये सेप्टर इतना खतरनाक क्यों है। हाइड्रा बेस को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद में ब्रूस बैनर और आयरन मैन उस सेप्टर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं और साथ ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर इनबिल्ड कर देते हैं ताकि उन्हें उस पर चल रही सारी गतिविधियों का मालूम चल सके। यहीं पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को ये पता चलता है कि सेप्टर के अंदर एक जेम है, यानी कि एक मणि जो कि खुद ब खुद सोच सकती है, और इसी इंटेलिजेंस को देखते हुए टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर के साथ में एक ग्लोबल डिफेंस प्रोग्राम पर अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन जैसा टोनी और ब्रूस ने सोचा था वैसा नहीं होता। वहीं पर मौजूद सेप्टर उन सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर जाकर अपनी और तहकीकात शुरू कर देता है, लेकिन वहीं पर जाविस जो कि टोनी स्टार्क का एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर होता है वो इसे ऐसा करने में रोकता है, लेकिन तभी वहां पर वो जैम यानी कि जो सेप्टर होता है वो जाविस को वहीं पर खत्म कर देता है और वहां से एक दूसरी मशीन के अंदर अपने आप का शरीर बनाता हुआ वहां से भाग जाता है। हालांकि टोनी स्टार्क ने उस जैम की मदद से पूरा एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू करने का सोचा था और पूरी की पूरी दुनिया में पीस यानी कि शांति लाने का सोचा था, लेकिन उस अल्ट्रॉन यानी कि उस जैम के माइंड के अंदर शांति का मतलब ये था कि जब तक यहाँ पर लोग जिंदा हैं और आपस में लड़ते रहेंगे तब तक शांति कभी भी नहीं आ सकती, यानी कि जब तक वो यहाँ पर जी रहे लोगों को खत्म नहीं कर देगा तब तक इस पूरी दुनिया में शांति कभी भी नहीं आ सकती। इन्हीं सभी बातों के चलते सेप्टर के अंदर मौजूद जैम वहां पर पूरी की पूरी स्टार्क इंडस्ट्री के टावर को वहां पर नष्ट कर देता है और साथ ही वहां से पहुंच जाता है वहीं हाइड्रा के एक बेस में जो कभी स्ट्रकर का बेस हुआ करता था, ताकि वो अपनी रोबो बॉडी को और भी ज्यादा इन्हेंस कर सके और साथ ही अपनी एक छोटी आर्मी बना सके जो कि किसी भी वक्त उसके काम आ सकती थी। और इसी के साथ में हमें ये पता चलता है कि अल्ट्रॉन अब वहां पर स्ट्रकर को मारकर वांडा और पिएट्रो को अपने साथ में मिला लेता है। पिएट्रो और वांडा अल्ट्रॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके पीछे रीजन यही होता है कि वो भी टोनी स्टार्क के खिलाफ थे, क्योंकि टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए वेपन से ही उसके माँ बाप की जान गई थी और यही रीजन था कि वो दोनों भी अब टोनी स्टार्क और साथ ही टोनी स्टार्क के दोस्तों के खिलाफ हो चुके थे।
वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और अल्ट्रॉन एक वेपन डीलर जिसका नाम होता है यूलेसिस क्लॉ उसके पास में पहुंचता है वाइब्रेनियम की तलाश। बदले में क्लॉ उनसे काफी सारे रुपयों की मांग करता है, लेकिन क्योंकि अल्ट्रॉन काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ में बना होता है तो वो किसी भी नंबर्स को कहीं पर भी ट्रांसमिट कर सकता था और इसी के चलते वो कई सारा पैसा क्लॉ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और इसी के बदले में क्लॉ वहां पर अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम दे ही देता है। अगर आपको गाइस पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, वाइब्रेनियम वही धातु है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई गई थी। लेकिन इसी बीच वहां पर एवेंजर्स आ जाते हैं और साथ ही वहां पर दोनों मैक्सिमोफ और पूरी एवेंजर्स टीम के बीच में फिर से लड़ाई होती है। लेकिन क्योंकि अब वांडा के अंदर काफी सारी टेलीकाइनेटिक पावर्स थी तो वो उन सभी के माइंड्स के विजन को चेंज कर देती है और तभी वो हल्क के माइंड को भी पूरी तरीके से चेंज कर देती है, जिसकी वजह से हल्क को ये लगने लगता है कि पूरी एवेंजर्स टीम अब उसका खात्मा करना चाहती है। इसी वजह से हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों पर ही हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात का पता टोनी स्टार्क को पहले से ही था कि एक ना एक दिन जरूर आएगा जब हमें हल्क को काबू करना पड़ेगा और इसी के चलते वहां पर टोनी स्टार्क ने अपना एक सूट ऑलरेडी बना रखा था जिसका नाम होता है हल्क बस्टर। और तभी हमें हल्क बस्टर और हल्क के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। गाइज ये फाइट मैं इस मूवी की सबसे बेस्ट फाइट मानता हूँ और तभी वहां पर हल्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोनी स्टार्क के हल्क बस्टर का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन उसी बीच वहां पर टोनी स्टार्क सैटेलाइट की मदद से वेरोनिका जो कि हल्क बस्टर का ओरिजिनल नेम होता है उसका एक और हाथ मंगवा ही लेता है और फिर से हल्क से लड़ना शुरू कर देता है। अब क्योंकि हल्क बस्टर और हल्क के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है एवेंजर्स को लेकर और उन्हें ये लगने लगता है कि एवेंजर्स हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारी तबाही के लिए हर बार तत्पर तैयार रहते हैं। इसी बात को लेकर सारे के सारे एवेंजर्स अपना बेस वहां से निकालकर कहीं और दूसरी जगह अपने आप का सर छुपाने के लिए पहुंच जाते हैं और वो जाते हैं सीधा हॉकआई के घर पर और वहीं पर थॉर जाकर एरिक सेल्विक से मिलता है और उन्हें ये बताता है कि मेरे ऊपर एक बार वांडा ने अपने विजन्स का शक्ति दिखाई थी और तभी मुझे उन सभी हेलुसिनेशन यानी कि उन सभी मणियों का हेलुसिनेशन बार बार अपने माइंड में आने लगा है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अल्ट्रॉन सीधा पहुंचता है सियोल कोरिया के एक देश में जहां पर एवेंजर्स की एक फ्रेंड चो वहां पर उन्हें मिलती है और वहीं पर अल्ट्रॉन चो से कहता है कि सेप्टर में मौजूद जेम को वो वाइब्रेनियम के साथ में मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जो कि हमेशा उसके काम आ सके। लेकिन उसी बीच वहां पर वांडा अल्ट्रॉन का माइंड रीड ही कर लेती है और तब उसे पता चलता है कि अल्ट्रॉन अपने माइंड के अंदर ये सोच रहा है कि उसे किस तरीके से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देना है। पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म करने के प्लान से वांडा चौंक जाती है और वो अल्ट्रॉन से दूरी बना लेती है और उसे ये कह देती है कि हम अब इस काम में तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे क्योंकि जब तक हम ये सोच रहे थे कि तुम्हारा असली दुश्मन टोनी स्टार्क है तब तक हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब जब हमें पता चल चुका है कि तुम इस दुनिया में मौजूद सभी लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते हो तो हम इस काम में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन उसी बीच वहां पर एवेंजर्स भी पहुंच जाते हैं और वहां पर स्टीव रॉजर नताशा और हॉकआई मिलकर उन सबको वहां से हराने की कोशिश करते हैं और साथ ही सिंथेटिक बॉडी को अपने साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। उस लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद के अंदर जब सिंथेटिक बॉडी पूरी तरीके से एवेंजर्स के पास में आ जाती है तो टोनी स्टार्क अपने जैविस को उस पूरी की पूरी सिंथेटिक बॉडी के अंदर इनबिल्ड करने की कोशिश करता है और वहीं पर थॉर भी अपनी बिजली वाली शक्ति का प्रयोग करते हुए उस जैम के अंदर पूरी तरीके से उसको रीएक्टिव करने की कोशिश करता है और तभी उसे पता चलता है कि वो जैम 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक स्टोन है जिसका नाम है माइंड स्टोन और इसी के साथ में एक नए एक्सपेरिमेंट यानी कि द विजन का जन्म होता है क्योंकि एवेंजर्स के साथ में एक और नया कैरेक्टर भी जुड़ चुका होता है जिसका नाम होता है विजन। तो वहीं पर वांडा पिएट्रो विजन और पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम सोकोविया में जाकर अल्ट्रॉन के उसी बेस को नष्ट करने लगते हैं जो कि थोड़े टाइम पहले उसने वाइब्रेनियम से बनाया था। अब यहाँ पर एक और सबसे खास बात हम सभी के सामने आती है, वहां पर अल्ट्रॉन ये चाहता था कि वो वाइब्रेनियम के साथ में एक ऐसी मशीन बिल्डअप करे जो पूरे के पूरे शहर के ही एक छोटे से हिस्से को आसमान में उड़ा सके और उसके पीछे उसका मकसद ये था कि वो उस छोटे से शहर के टुकड़े को आसमान में इतनी ऊंचाई से पटकेगा पूरी धरती पर कि पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का ही नाश हो जाए। लेकिन इसी बात का पता एवेंजर्स की टीम को लग चुका होता है और वो वहां पर अल्ट्रॉन को रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं पर पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम का अल्ट्रॉन की एक रोबोटिक आर्मी से मुकाबला होता है, लेकिन उसी का साथ देने के लिए वहां पर निक फ्यूरी भी पहुंच जाता है और गोलियां बरसाकर उन पूरी रोबोटिक टीम्स को हराने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच वहां पर कुछ
कुछ बच्चे भी आ जाते हैं और वहीं पर पेट्रो उन्हें बचाते हुए अपनी जान गवा बैठता है। इसी बात से वहां पर वांडा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बात का बदला लेने के लिए वांडा पूरी तरीके से अल्ट्रॉन का दिल उसके सीने से बाहर निकालकर उसे वहीं पर जान से मार देती है। लेकिन उसी बीच वहां पर रोबोटिक्स आर्मी का एक और अल्ट्रॉन की बॉडी वाला वहां पर रोबोट पहुंच जाता है और उस पूरी की पूरी मशीन को वहां से एक्टिव कर देता है। अब क्योंकि पूरा शहर वहां पर नीचे इस दुनिया पर गिरने वाला होता है, लेकिन वहीं पर टोनी स्टार्क और थॉर अपने दिमाग का यूज करते हुए उस छोटे से शहर को आसमान में ही वहां पर खत्म कर देते हैं और इसी के साथ ये फाइट कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है एक और नया शील्ड का बेस जो कि रन करते हैं निक फेरी, मारिया हिल और एरिक सेल्विक, और वहीं से थॉर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स को अलविदा कहते हुए फिर से एसगार्ड पहुंच जाता है क्योंकि उसे अपने विजन में 6 stone दिखाई दिए थे और उन्हीं पर रिसर्च करने के लिए थॉर वापस से अपने एसगार्ड चला जाता है। वहीं पर हमें यह दिखाया जाता है कि हॉकआई अपने आप को रिटायर कर लेता है। साथ ही वहां पर कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स और नताशा न्यू एवेंजर्स टीम को बनाने के लिए न्यू एवेंजर्स को भी वहां पर ट्रेनिंग देते हैं जिसमें शामिल थे जेम्स रोड, विजन, वांडा और सैम विल्सन। और इसी के साथ ये मूवी कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है द ग्रेट थैनोस और वो ये डिसाइड करता है कि वो अब किसी के ऊपर भी आश्रय नहीं रहेगा और खुद ही जाकर उन पूरे के पूरे 6 infinity stone को अपने गॉन्डलेट यानी कि मुष्टिबंद में लगाकर इस पूरी दुनिया का संहार कर देगा। इसके बारे में हमें आगे इन्फिनिटी वॉर के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। सो गाइज ये मूवी कम्प्लीटली अब यहाँ पर जाकर खत्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में मैं इस पूरी की पूरी MCU का अगला एपिसोड यानी कि एंट मैन आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और साथ ही जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप सभी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो प्लीज वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि इन मूवीज के सारे लेटेस्ट अपडेट मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।